ये जननायक राहुल गांधी अपनों के बीच जीटीवी नगर के लेबर चौक पर उनसे बातें करते, उनकी समस्याएं सुनते, उनका हाथ बटाते। देश राहुल गांधी को यूं ही जननायक नहीं कहता। आपने चुनावी मौसम में जनता के बीच घूमते खूब नेता देखे होंगे, लेकिन राहुल मौसमी नेता नहीं है। काम से समय मिलते ही राहुल तुरंत अपने लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। वो अपनों से मिलने का, उनके साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसे ही राहुल गांधी अचानक दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंच गए, जहां उन्होंने मजदूर साथियों से मुलाकात की, उनके काम में हाथ बटाया और उनकी मुश्किलें समझी। राहुल को अपने बीच देख मजदूर साथियों की आंखें भी जैसे उम्मीद से लबालब हो गई। सबने दिल खोलकर अपनी बात राहुल गांधी के सामने रखी। इससे पहले राहुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुली भाइयों से मिले थे, कीर्ति नगर में कारपेंटर से मिले थे, ट्रक ड्राइवर और डिलीवरी बॉय से भी मिल चुके हैं। और चुनाव के बाद भी राहुल गांधी मोहब्बत और भाईचारे का भारत बनाने के अपने उद्देश्य में जुटे हुए हैं। भारत जोड़ने का कारवां अभी भी जारी है। ये सफर कभी मणिपुर हिंसा पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचता है, तो कभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में युवाओं का हाल जानने, कभी किसानों का साथी बनकर, तो कभी मजदूरों का सहारा बनकर, कभी योद्धा तो कभी सच का सिपाही बनकर। नेता विपक्ष बनते ही राहुल गांधी ने सदन हर वो मुद्दा उठाया जो देश के गरीब और आम लोगों से जुड़ा था, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर मणिपुर की बात हो। ये जंग पूंजीवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई तानाशाही से, ये समर सम्मानता का है। और सड़क से संसद तक हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय को बराबर हक और हिस्सेदारी मिलने तक राहुल अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। ये यात्रा, ये सफर, ये भारत जोड़ने का सिलसिला न्याय का हक मिलने तक ऐसे ही जारी रहेगा।